आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप हम इस टेलीग्राम चैनल पर जाएं और ज्वाइन कर लें तथा वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लें। आपको वहां सारे के सारे पीडीएफ तथा वीडियो लिंक एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने अपनी आत्मकथा बिलीव जारी की है? तो सुरेश रैना ने। भारतीय बल्लेबाज है जो अपनी आत्मकथा बिलीव जारी किए हैं। ये रहा इनका बुक बिलीव, यह सुरेश रैना जो एक भारतीय बल्लेबाज है या एक लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1986 को हुआ था तथा इनके पेरेंट्स का नाम परवेश रैना तथा त्रिलोक चंद रैना है। सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है, तथा इसका सह लेखक भरत सुंदरवन है। सुरेश रैना ने भारत के लिए अपनी यात्रा और सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द इस बुक की पुस्तक बिलीव में वर्णन किया है, जिसे उन्होंने टैटू के रूप में अपने बाहों पर उकेरा था। क्रिकेटर ने अपने क्रिकेट के करियर की एक अलग झलक साझा की है, जिसमें सफलता असफलता चोट झटके और इसके शीर्ष पर कैसे आए वो इसमें इन्होंने वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नफ्ताली बेनेट ने हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह नफ्ताली बेनेट जिन्होंने इजराइल के हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री और यामिना पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये दोनों साथ में ही शपथ लिया है, रक्षा मंत्री के रूप में यामिना पार्टी तथा नफ्ताली बेनेट ने देश के इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। यह है मैप में इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो यह 15 जून को मनाया गया है, यानी कल वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को मनाया गया है। यह हमें एल्डर लोगों को उसके साथ कैसे दुर्व्यवहार करते हैं उसके जागरूकता के स्वरूप मनाया जाता है। यह दिन बुजुर्ग लोगों के साथ दुर्व्यवहार और पीड़ा के विरोध में आवाज उठाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में समुदायों को बुजुर्गों के दुर्व्यवहार और अपेक्षा के प्रभावित करने वाले संस्कृति सामाजिक आर्थिक और जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने, दुर्व्यवहार और उपेक्षा की बेहतर समझ को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष का थीम है एक्सेस टू जस्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह प्रत्येक वर्ष यूएन के द्वारा मनाया जाता है। हाल ही में भारत के किस गांव ने अपने सभी व्यस्त ग्रामीणों को कोविड टीका लगवाने वाला देश का पहला गांव बना है? तो यह है ब्यान गांव। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिला का ब्यान गांव भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है जो व्यस्त लोगों को कोविड टीका पूरा गांव में लग गया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है जिसे कोविड टीका न लगा हो। यह कल का लेटेस्ट न्यूज, जिसमें ब्यान गांव को प्रदर्शित किया गया है कि वहां का सभी व्यस्त टीका लगवा लिया है। बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। यह रहा मैप में उत्तरी में जम्मू कश्मीर। इसकी राजधानी है जम्मू, जो कि नवंबर से अप्रैल तक रहता है। इसका राजधानी श्रीनगर भी है जो मई से अक्टूबर माह तक रहता है। यहाँ का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है तथा यहाँ प्रेसिडेंट रूल है। यहाँ
पर लोकसभा सीटें की संख्या 89 है तथा राज्यसभा सीटें की संख्या 39 है। यहाँ पर नेशनल पार्क भी है, जो फर्स्ट पर आता है सिटी सिटी फॉरेस्ट पार्क, डचीगाम नेशनल पार्क, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 से यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माइलैब ने भारत के किस बॉलीवुड सुपरस्टार को अपनी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अक्षय कुमार को बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माइलैब ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। या हाल ही में माइलैब ने न्यूज देकर बताया है कि हमने अपने ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को चुन लिया है। यह घोषणा पुणे स्थित फर्म द्वारा देश की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट कोविशील्ड लॉन्च करने के कुछ दिनों के बाद की गई है। अक्षय के साथ साझेदारी का उद्देश्य माइलैब के उत्पादों और कोविशील्ड जैसी किट के बारे में जागरूकता पैदा करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय एयरटेल ने 2021-22 के लिए सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के अध्यक्ष किसे चुना है? तो अजय पुरी को इन्होंने अपना COAI के अध्यक्ष चुने हैं। ये हैं अजय पुरी, जो भारतीय एयरटेल के अजय पुरी हैं, जो 21-22 के लिए फिर से COAI के अध्यक्ष चुने गए हैं। बात हुई है भारतीय एयरटेल की तथा COAI के, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। भारतीय एयरटेल, इसका CEO है गोपाल विट्ठल तथा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसके फाउंडर हैं सुनील भारती मित्तल। इसका अब तक का रिवेन्यू हो गया है 89,473 करोड़ रुपए, सर डॉलर में देखें तो 13 बिलियन USD अकॉर्डिंग टू 2020। अब बात जान लेते हैं COAI के बारे में। COAI का फुल फॉर्म होता है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन अजय पुरी हैं तथा वाइस चेयरमैन प्रमोद के मित्तल हैं। इसका डायरेक्टर जनरल डॉक्टर SP कोचर है तथा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना सन 1995 में की गया था। यह एक प्रकार का नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में किस स्थान पर है? तो भारत दुनिया भर में 14वें स्थान पर है। गिविंग इंडेक्स जैसे कि दान, गिविंग मीन्स दान, जैसे कि हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने ग्राहकों को हर घर राशन योजना देने की बात की है, वैसे ही कई संस्थाएं हैं, बहुत सारे संस्थाओं ने, बहुत सारे प्राइवेट एकेडमी ने अब कुछ न कुछ दान में दिए हैं। तो इसी जनगणना को, इसी गणना को लेकर एक वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया गया है, जो इसमें 14वें स्थान पर भारत का स्थान रहा है। यह कल का करंट न्यूज, जिसमें वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस खिताब जीता है? तो डी गुकेश ने हाल ही में गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस का खिताब जीत लिया है। यह है डी गुकेश। डी गुकेश ने सनसनीखेज तरीके से $15,000 का गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है, और इसके साथ ही कुलीन मेंटा वाटर चैंपियन चेस टूर के लिए एक वाइल्ड कार्ड भी जीता है। उन्होंने प्रज्ञानानंद के खिलाफ महत्वपूर्ण बैटल सहित सभी 4 राउंड जीते और अन्य खिताब दावेदारों से जुड़े खेलों के अनुकूल परिणामों की एक श्रृंखला के बाद शीर्ष पर उभरे। फलस्वरूप इन्होंने गर्ल्स फैन चैलेंज खिताब को जीत लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 14 जून से किस राज्य में राजा पड़वा उत्सव मनाने जाने लगा है? तो यह उड़ीसा में। उड़ीसा में हाल ही मतलब 14 जून से राजा पड़वा उत्सव मनाने लगा है। यह रहा न्यूज। यह एक त्रिदिवसीय फेस्टिवल मेंस्ट्रुएशन कॉमेंस है, जो उड़ीसा में मनाने जाने लगा है 14 जून से। बात हुई है उड़ीसा के बारे में, तो जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। यह है मैप में उड़ीसा, इसके नीचे में है आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है तथा यहाँ का राज्यपाल गणेशी लाल है। यहाँ का CM नवीन पटनायक भी हैं तथा यहाँ का मेन राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका तथा सिमलीपाल।
यहाँ पर 147 विधानसभा सीटें भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 14 जून को नाटो के शासनाध्यक्षों की 31वीं औपचारिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह ब्रुसेल्स में की गई है। ब्रुसेल्स में 14 जून को नाटो के शासनाध्यक्ष के 31वीं औपचारिक बैठक की आयोजित की गई थी। यह ब्रुसेल्स में समिट कम्युनिक हुआ था जो 14 जून को हुआ था। बात हुई है नाटो के बारे में, तो जान लेते हैं नाटो नाटो के बारे में। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रकार का मिलिट्री अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका मेंबरशिप 30 स्टेट्स के द्वारा है। इसका सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग है तथा यहाँ का यह एक चेयरमैन ऑफ ऑपरेटिंग नाटो मिलिट्री कमेटी। इसका है एयर चीफ मार्शल स्टेट पीच रॉयल एंड रॉयल एयरफोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वंचित छात्रों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। राजस्थान के मेधावी विद्यार्थी अब आर्थिक तंगहाली के कारण अपने सुनहरे भविष्य से वंचित नहीं होगा, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है। इन्होंने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना लागू के लिए स्वीकृति दे दी है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक तथा आर्थिक कमजोर से कमजोर वर्ग के वह विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से प्रतिवर्ष से कम है। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कर्मी के रूप में पे मैट्रिकल्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं वह भी योजना के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए अवसर मिल सकेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात हुई है राजस्थान के बारे में, तो जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। यह मैप में राजस्थान, इसके नीचे में गुजरात है तथा इसके बगल में यूपी है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर तथा यहाँ का कलराज मिश्रा राज्यपाल है। यहाँ का सीएम अशोक गहलोत है तथा पर यहाँ 200 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क तथा सरिस्का टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनएफसी आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र ईआईडी का उपयोग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बना है पंजाब। एनएफसी आधारित ईआईडी को यूज करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। यह एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित डेटा को एक्सचेंज करने वाला डिवाइस जो इस पर आधारित होता है। एनएफसी का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन तथा ईआईडी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले जान लेते हैं पंजाब के बारे में, बात हुई पंजाब की, तो पंजाब यह है पंजाब। पंजाब के नीचे राजस्थान, इधर में हिमाचल प्रदेश तथा यह हरियाणा है। बगल में यूके है तथा इधर यूपी है तथा मध्य में यहाँ पर दिल्ली है। चलिए, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है तथा वीपी सिंह बदनौर यहाँ का राज्यपाल है तथा सीएम अमरिंदर सिंह है। यहाँ पर एक भी नेशनल पार्क नहीं है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि अगर किस राज्य में एक भी नेशनल पार्क नहीं है तो यह राज्य है पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल होम प्राइम इंडेक्स में भारत 12वें पायदान से फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? तो ग्लोबल होम प्राइम इंडेक्स में भारत पहले 43वें स्थान पर थी, जो 12वें पायदान से फिसलकर अब 55वें स्थान पर चला आया है। नाइट फ्रैंक के नवीनतम शोध रिपोर्ट ग्लोबल हाउस प्राइम इंडेक्स Q1 मतलब Q1 2021 में भारत घरेलू कीमतों में 1.6% की गिरावट के साथ वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 2021 की पहली तिमाही में मतलब फर्स्ट क्वार्टर में 12वें स्थान की गिरावट करके 55वें स्थान पर चला आया है, जबकि 2020 के पहली तिमाही मतलब फर्स्ट क्वार्टर में यह 43rd मतलब 43वें स्थान पर था। ग्लोबल होम प्राइम इंडेक्स लंदन स्थित नाइट फ्रैंक द्वारा तैयार किया जाता है, जो यह 56 देशों पर
आवास की कीमतों पर नजर रखता है। सालाना रैंकिंग में तुर्की 92% 32% की बढ़ोतरी के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। इसके बाद सेकंड स्थान पर न्यूजीलैंड का स्थान है। बात हुई है नाइट फ्रेंड की, तो जान लेते हैं नाइट फ्रेंड के बारे में। इसकी स्थापना 1896 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने यूनाइटेड किंगडम को जीआई टैग प्राप्त प्रमाणित जरदालू आम की पहली खेप निर्यात की है? तो यह बिहार है। बिहार ने यूनाइटेड किंगडम को जीआई टैग प्रमाणित जरदालू आम की पहली खेत की निर्यात की है। यह कल का करेंट हो जिसमें जरदालू मैंगो को जो जीआई टैग प्राप्त है, भागलपुरी जरदालू जिसे जो 2018 में जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था उसे यूनाइटेड किंगडम को पहली खेप भेजा गया है। बात हुई है जीआई टैग के बारे में, तो जान लेते हैं जीआई टैग क्या है। जीआई टैग का मेन मोटो है इनवैल्यूएबल ट्रीजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। यह एक फॉर्मेट है जीआई रजिस्ट्री टैग के, जो इस प्रकार का ही एक टैग दिया, एक रजिस्ट्री दिया जाता है जिस पर आपको उस चीज का प्रमाणित रहता है जिसको जीआई टैग दिया जाता है। यह एक भौगोलिक संकेतिक कुछ उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक नाम का यह संकेत है जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल, उदाहरण के लिए एक शहर, क्षेत्र या देश से मेल खाता है। दार्जिलिंग चाय 2004-2005 में भारत का पहला टैग जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद बन गया है। आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, व्हाट इज जीआई टैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले जान लेते हैं बिहार के बारे में। उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात, अब तक के जीआई टैग प्राप्त बिहार के समान समान के बारे में। पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाले समान है मधुबनी पेंटिंग्स, जो कि एक हैंडीक्राफ्ट है जिसे बिहार का पहला प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था। कई महत्वपूर्ण चीजें बिहार का जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे कि भागलपुरी जरदालू आम, मगही पान, सियालो खाजा, शाही लीची ऑफ बिहार, भागलपुरी सिल्क एंड मैनी मोर। टिल नाउ 13 जीआई टैग हैज रिसीव्ड इन बिहार। अब जान लेते हैं बिहार के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार तथा बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार की राजधानी पटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तथा बिहार में एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम वाल्मीकि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के मसौदे को मंजूरी दे दी है? तो यह राज्य है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार मीटर कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान देगी। इससे प्रति वर्ष 1,450 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। इस योजना का लाभ मई 2021 से मिलना शुरू हो गया है। इसके तहत विद्युत वितरण निगमों का द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र जारी किए जाएंगे। अनुपातिक आधार पर विद्युत विपत्र का 60% अधिकतम 1,000 रुपये प्रति माह देय होगा। केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी एवं आयकर दाता कृषि उपभोक्ता अनुदान राशि के लिए पात्र नहीं होंगे। बात हुई है राजस्थान के बारे में, तो जान लेते हैं। अभी हमने दो चार वीडियो क्वेश्चन पहले हमने जाना था राजस्थान के बारे में, तो आप दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं कल के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का आंसर के लिए। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में एमएल समर स्कूल किसने लॉन्च किया है? एमएल मींस मशीन लर्निंग। हाल ही में मशीन लर्निंग समर स्कूल किसने लॉन्च किया है? तो यह इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। यह अमेजन इंडिया के द्वारा किया गया है। चलिए अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, जिससे आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना जरूरी है। आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना न भूलें, क्योंकि तथा प्रत्येक दिन आपको पिछले 10 से 10 दिन या उस महीने के पूरे दिन के
डे मतलब पर डे किसी न किसी एक दिन डे हो ही, कि वो दिवस न दिवस हो ही जाता है, उसका सभी का रिवाइज आपको एक कमेंट बॉक्स में लाइन से लिखना है। चलिए आज का क्वेश्चन है, 47वां G7 शिखर सम्मेलन यूके में कहाँ आयोजित की गई है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर भी करें। यह हमारा नेक्स्ट इंडिया नाम का एक न्यू चैनल है जो हाल ही में 1 सप्ताह पहले स्टार्ट किया गया था। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम लिंक यहाँ पर तथा वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दिया हुआ है। आप वीडियो को PDF फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें तथा वहाँ से PDF डाउनलोड कर लें। चलिए तो दोस्तों, फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व तो इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।